बस्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कवासी लखमा को लेकर बीजेपी के कई बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पलटवार किया और कहा कि बस्तर सीट से कवासी लखमा बड़े अंतर के साथ जीत रहे हैं। बीजेपी नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, बीजेपी नेताओं को यही सिखाया जाता है। बस्तर लोकसभा सीट में कवासी लखमा जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भाजपा ने हार स्वीकार कर लिया है और आदतानुसार जन्मजात भाजपा हमेशा से विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ चरित्र हनन का प्रयास करती है। ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरित्र पे कीचड़ उछालने वाले लोग हैं, तो ये जो हमारे प्रत्याशी के जो कीचड़े उछाल रहे ना, ये इनकी मनोदशा है, इनको यही सिखाया भी जाता है। दुर्भाग्य की बात है 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को बताने की स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता के लिए क्या किया है, सिवाय जुमलाबाजी, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना और कुटपुटांग बयानबाजी के अलावा।